हेलो असलम, कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक है व्हाट्सएप डिलीटेड मैसेज रिकवरी। मतलब आपको कोई भी मैसेज करता है, वो मैसेज आपके रीड करने से पहले डिलीट कर देता है, तो वो मैसेज आप कैसे पढ़ सकते हैं किसी भी ऐप के डाउनलोड किए बगैर। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब में दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सके। तो चलते टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास सारी का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है नोटिफिकेशन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से आपको थर्ड ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका ऑफ होगा, इसको आपने ऑन कर लेना है। ये ऐसे ऑफ होगा अगर, तो यहाँ से इसको टर्न ऑन कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है। जब ये आप ऑन कर लेंगे तो आपको कोई भी मैसेज करके डिलीट करता है तो आपके पास यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, मैं अपने व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जैसे ये देख सकते हैं, ये मैं व्हाट्सएप है मेरा, ठीक है। इस पर मैं हाई लिख के सेंड करता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ से हाई लिख के सेंड हो गया है। यहाँ से देख सकते हैं आपके मेरे दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है। वापस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट फॉर एवरीवन कर देता हूँ। यहाँ से ये मैसेज डिलीट हो गया और यहाँ से भी वह डिलीट हो गया। उसके बाद यहाँ से ये मैसेज तो डिलीट हो गया, ठीक है। अब आपने ये करना है, जिस बंदे का मैसेज जिसने आपको मैसेज करके डिलीट कर दिया, सबसे पहले तो ये आपने सेटिंग ऑन कर रही की होगी, तब ये आपके पास दोबारा शो होगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे चले जाना है। फिर से यहाँ से थर्ड पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री पे आप जाएंगे। यहाँ से ये देख सकते हैं हम, ये मेरा नंबर है, उस मैंने हाई लिख के जो मैसेज सेंड किया था डिलीट किया, वापस यहाँ पे मौजूद है। इस तरह आप किसी का भी मैसेज जो है अगर वो डिलीट कर देता है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सेटिंग आपकी ऑन होना लाजमी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पर मैं सब मेरे भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली है आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।